नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। लेकिन भाई, आगे बढ़ने से पहले जो है खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। जहाँ पे जो है मैं अपना वीडियो शूट करने आता हूँ, वहाँ पे जो है भाई एरिया में सेकेंड फ्लोर पे जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव एक आदमी पाया गया है। उसके चलते जो है एरिया सील हो चुका है और बहुत ही जो है ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई कल से जो है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है कि मैं अपना वीडियो कैसे शूट करूँ। शायद से जो है मैं अपने पुराने वाले सेटअप में शूट करूँ या फिर यहीं पर आके शूट करूँगा। मुझे जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है आज जो है आप सभी लोग वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। आप लोग चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आज जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के साथ में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेसन होल्डर की। तब यहाँ पे जो है होल्डर ने ऐसा बयान दिया है, अगर अभी से कोई भी जो है क्रिकेट में रेसिज्म करते हुए जो है पाया गया, तब भाई उसको जो है मैच फिक्सिंग और डोपिंग का जो केस होता है उसके बराबर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो ये जो भाई आजकल जो है रेसिज्म, इसको लेके बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। और ऐसे में जो है आने वाले टाइम में हम सभी को क्रिकेट से रेसिज्म हमेशा के लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे देगा। सेकेंड बात, यहाँ पे जो है जितने भी वेस्ट इंडीज के भाई है पूरे प्लेयर्स लोग, वो लोग जो है मतलब कि इंग्लैंड के साथ में टेस्ट सीरीज में जो है अपने जो है जर्सी के जो होता है भाई कॉलर के ऊपर जो है ब्लैक लिव्स मैटर इसका जो है साइन लोगो लगा के खेलेंगे, जिसको जो है आईसीसी ने परमिशन दे दी कि आप लोग जो है अपने जर्सी के कॉलर के ऊपर ब्लैक लिव्स मैटर ये जो है लिखवा के मैच खेल सकते हो। और एट द एंड बात करते हैं तीसरी खबर की, तब ये आ रही है भाई इंग्लैंड के खेमे से, जहाँ पे जो है एक बात ऑफिशियली जो है कन्फर्म हो चुकी है कि जो रूट जो है इंग्लैंड के लिए फर्स्ट टेस्ट मुकाबला मिस करने वाले हैं। तो वैसे में जो है बेन स्टोक्स करने वाले हैं कैप्टनशिप इंग्लैंड के फर्स्ट टेस्ट मुकाबले में, लगभग से ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की। तब यहाँ पे जो है पाकिस्तान की टीम जो है फाइनली इंग्लैंड में पहुंच चुकी है टेस्ट सीरीज खेलने को लेके। एट द एंड जो है कुछ भी करके कैसे भी करके जो है पाक की टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं आकाश चोपड़ा की। तब यहाँ पे जो है आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर, विराट कोहली और भी जो है भाई क्रिकेटर लोग को जो है ऐसा कहा है कि आप लोग जो है भाई हेल्प कीजिए, जिस भी जो है कोच को पॉजिटिव निकला है आप जो है उन सभी कोच की सहायता करें। कहीं ना कहीं जो है ये बात बिल्कुल अच्छी भी है कि गंभीर और विराट कोहली को जो है कोचेस की हेल्प करनी चाहिए जिनको की पॉजिटिव निकला है, तो ये जो बात है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आईसीसी के चेयरमैन के रेस की। तब यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा नया ट्विस्ट आ चुका है आईसीसी के नए चेयरमैन को लेके। एहसान मनी, गांगुली, कोलिन ग्रेव्स, ये सबका जो नाम था ऑलरेडी हम सभी को पता है कि ये लोग जो है रेस में थे और रेस में नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जो है एक नया नाम आ रहा है, वो आ रहा है फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ थे, उनका नाम है डेव कैमरॉन। तब यहाँ पे जो है ये डेव कैमरॉन जो है नए जो है कंटेंडर है आईसीसी के नए चेयरमैन बनने को लेके। एहसान मनी ने भाई जो है मना कर दिया, गांगुली जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे शायद से, और बच गए यहाँ पे कॉलिन ग्रेव्स और डेव कैमरॉन। तो शायद से जो है ये दोनों में से कोई नया जो है आईसीसी का चेयरमैन बन सकता है। अब यहाँ पे जो है श्रीलंका का जो T20 लीग चालू है, जिसके अंदर दिलशान, अजंता मेंडिस ये सब लोग जो है खेल रहे हैं, आखिरकार हम लोग इसको लाइव कैसे देखें? तब आप सभी की जो ये प्रॉब्लम है मैं बड़े आराम के साथ में सॉल्व कर सकता हूँ। जितने भी श्रीलंका के T20 जो लीग है जिनके जो मैचेज जो है चालू है, आप सभी लोग जो है उसको बड़े आराम के साथ में फैन कोड के ऊपर लाइव देख सकते हो। सबसे पहले जो है फैन कोड का जो ऐप आता है, जो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे लाइव देख लीजिए। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े बुकी फिक्सर की, जिसका नाम है रविंदर दंडीवाल। ये जो है भाई रविंदर दंडीवाल, इसके पीछे जो है भाई बीसीसीआई हाथ धो के पड़ चुकी है। ऑलरेडी जो है पास्ट में अपने बीसीसीआई ने इस बुकी के ऊपर जो है पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। और अभी जो है ऐसी खबर आ रही है कि जो है भाई अपनी बीसीसीआई वो जो है अपना पूरा फोकस और पूरा जो है ध्यान लगा के सिर्फ एक के पीछे पड़ी है, वो है रविंदर दंडीवाल। ये जो है भाई बहुत ही बड़े
कुकी है जो कि शायद से हमारे इंडियन प्लेयर के साथ में कांटेक्ट कर सकती है। और जैसे कि जो है ये हमारे इंडियन प्लेयर के साथ में कांटेक्ट करे उसके पहले जो है बीसीसीआई शायद से इसको पकड़ना चाहेगी, तब एट द एंड जो है फैसला यही आ सकता है कि जो हमारे बहुत ही बड़े बुकी है वो अपने इंडियन प्लेयर के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको जो है खरीदने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है बीसीसीआई ने ऑलरेडी इसके ऊपर निगाह बना के रखी है। एट द एंड बात करते हैं आईसीसी के एलाइट पैनल की, तब यहाँ पे जो है आज आईसीसी ने अपने अंपायर्स की और अपने मैच रेफरीज की जो है लिस्ट हम सभी के सामने रखी है। शुरुआत करते हैं हमारे मतलब कि मैच के अंपायर्स की, तब यहाँ पे जो है अलीम दार, कुमार धर्मसेना ऐसे जो है बड़े बड़े अंपायर्स मौजूद है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, अपने इंडियन अंपायर जिनका नाम है नितिन मेनन, ये भी जो है भाई आईसीसी के एलाइट पैनल ग्रुप में आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग जो है देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि जो आईसीसी है उन्होंने अपने मैच रेफरीज की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। आज का जो दिन है बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन जो है सचिन तेंदुलकर बने थे पहले प्लेयर भाई जिन्होंने जो है वनडे क्रिकेट में 15,000 रन का आंकड़ा पार किया, तो ये जो है ऐतिहासिक पल हुआ था आज ही के दिन। दोस्तों आज जो है भाई वीडियो थोड़ी सी छोटी है, आप सभी को पता है मेरी हालत क्या है, तो मैं जो है आप सभी को ट्राई करता हूँ कि कल से जो है ज़्यादा न्यूज़ प्रोवाइड करूँ। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।